हेलो दोस्तों, स्वागत है भगत कम्युनिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी जो नए रिक्रूटमेंट 2022 में निकल के आई हुई है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन डेट की अगर बात करें तो ये 27 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। 30 तारीख इसके लास्ट डेट है दोस्तों, और इसके जो लास्ट डेट जो रिसीव है दोस्तों वो 30 तारीख को है। और इसके जो ऑनलाइन आप लोगों का जो एग्जाम होने वाले हैं, 2023 को ही आप लोगों का एग्जाम होगा दोस्तों। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू द ऑनलाइन मोड, इसमें आप लोगों को ऑनलाइन मोड से ही ऑनलाइन करना होगा दोस्तों। इसके बाद आप लोगों का जो एग्जाम रखे गए हैं सीबी यानी दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों वो रखे गए। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होने वाला है दोस्तों। उसके बाद जो वैकेंसी है दोस्तों वो बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है दोस्तों। इसमें अलोंग साफ साफ बोले हैं। इसमें अगर पे लेवल की बात करें तो दोस्तों इसमें 18,000 से लेकर 56,000 तक आप लोगों का सैलरी रहने वाला है, और 21,700 से लेके 69,100 तक रहने वाला है। कुछ कुछ पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है दोस्तों। इसमें वैकेंसीज की अगर बात करें तो बीएसएफ में आपका 10,497 निकल के आ रही है दोस्तों। इसमें सीएसएफ में 100 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 8,911 वैकेंसी है, एसएसएस में एसएसबी में दोस्तों 1,284 वैकेंसी, आईटीबीपी में 1,613 वैकेंसी है, असम राइफल में 1,697 वैकेंसी और एसएसएफ में आपका 103 वैकेंसी। टोटल आप लोगों को देखने को मिलता है 24,369 दोस्तों। अरे जो एनसीपी है दोस्तों, एनसीबी ये नया पोस्ट जोड़ के आई हुई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें 10% वैकेंसी जो है एक सर्विस के लिए रिजर्व रहेगी दोस्तों। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो दोस्तों, देखिए दोस्तों नेशनलिटी सिटीजनशिप यानी दोस्तों आप लोगों को भारत के जो नागरिक है वो होना चाहिए, और आप लोग जो भारत में जितने भी राज्य है उनसे बिलोंग करना चाहिए दोस्तों। और आप लोगों का एज की अगर बात करें तो 18 से लेकर 23 साल तक आप लोगों का एज रखा गया है। 1/1/2023 को आप लोगों का जो डेट रखे गए दोस्तों, इसके हिसाब से आप लोगों का 18 होना चाहिए और 23 पार नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसके हिसाब से आप लोगों का होना चाहिए। और इसमें अगर बात करें तो एसटीएससी के लिए 5 साल छूट दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल छूट दी गई है दोस्तों, और इसमें जो चाइल्ड एंड डिपेंडेंट विक्टिम उन लोगों के लिए 5 साल छूट दी गई है दोस्तों। और इसमें और छूट भी दी गई है तो इन लोगों से आप लोगों का कुछ काम नहीं है। अभी बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन आप लोगों को 10th ही मांगे गए हैं, लेकिन आप लोगों का जो 1/1/2023 तक आप लोगों का 10th क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसमें दोस्तों जो भी कैंडिडेट एनसीसी वाले जो सर्टिफिकेट वाले होते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए 5% मिनिमम मार्क्स आप लोगों को दिया जाएगा। 20 सर्टिफिकेट के लिए 30% दिया जाएगा, और ए सर्टिफिकेट के लिए 2% दिया जाएगा दोस्तों। इसमें हाउ टू अप्लाई यानी दोस्तों आप लोग किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, जो ssc.nic.in जो आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप लोगों को आ जाना होगा। उसके बाद आप लोग उसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों मैंने किस प्रकार से ऑनलाइन किए हैं। इसमें अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो जो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उन लोगों के लिए दोस्तों 100 रुपए चार्ज रखे गए हैं, और जो आप लोगों का होता है दोस्तों एक्स सर्विस मैन एसटी जो फीमेल होते हैं उन लोगों के लिए कोई चार्ज नहीं रखे गए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आप लोगों को सेंटर दिया गया है, आप लोगों का अपने हिसाब से जो भी रीजन से पढ़ते हैं उसके हिसाब से आप लोगों को सेंटर चूज करना होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों का जो यूटी होता है, आप लोगों का जो रीजन स्टेट होते हैं इसमें दिया गया है दोस्तों, और इसमें आप लोगों का एड्रेस दिया गया है। इस बात देखिए दोस्तों एसएससी ने जीडी के ऊपर बहुत ही जो सिलेबस है दोस्तों रिटर्न एग्जाम का चेंज कर दिए हैं। जैसे सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पहले दोस्तों क्या आता ना 25 मार्क्स का आता था, लेकिन अभी 20 क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को 40 कर दिया, यानी दोस्तों आप लोगों का बोला 20 क्वेश्चन में यानी आप लोगों का 2 मार्क्स करके रहेगा, इसीलिए आप लोगों का 40 मार्क्स बन जाते हैं। इसी प्रकार फिर जनरल नॉलेज एंड जो जनरल अवेयरनेस जो जीके के होते हैं दोस्तों 20 होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों जनरल नॉलेज इसमें आप लोगों का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अभी 20 × 2 समझ लीजिए दोस्तों 2 करके आप लोगों को मार्क्स रहने वाला, इसी प्रकार आप लोगों को 40 बन जाते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है दोस्तों उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स करके 40 नंबर आप लोगों के हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश आप लोग जो भी आप लोगों के हिसाब से आप लोग रख सकते हैं दोस्तों,
उसके हिसाब से आप लोगों का 20 क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स करके 40, और आप लोगों को इसमें 1 घंटा दिया जा रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो ऑल क्वेश्चन होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं दोस्तों, और ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। आप लोग जो भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल होते हैं उसके हिसाब से आप लोग इसमें एग्जाम दे सकते हैं। इसमें दोस्तों देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें आप लोगों का जो 0.50 मार्क्स का है आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है दोस्तों, तो इसमें आप लोग ध्यान रख के आप लोग इसमें एग्जाम को दीजिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, रिटन एग्जाम के बाद आप लोगों का फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल के सिलेबस के हम लोग अभी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा 24 मिनट में, और फीमेल को दोस्तों 1600 मीटर रनिंग करना होगा 8.5 मिनट में, और इसमें जो आप लोग लद्दाख वगैरह रीजन से है तो उन लोगों के लिए दोस्तों कुछ छूट दी जाती है। तो इसमें अगर मेल की अगर बात कर, इसमें अगर फॉर द कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन की बात करें, 1600 मीटर 6.5 मिनट में दिया गया है, और 800 मीटर आप लोगों को 4 मिनट में दिया गया है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो हाइट रहने वाली है, जो आप लोगों का जनरल ओबीसी जो है उन लोगों के लिए 170 रखे गए हैं, और फीमेल के लिए 157 रखे गए हैं दोस्तों, और छूट भी दी गई है। जैसे एसटी के लिए 162.5 दी गई है, उसी प्रकार फीमेल को 150 सेंटीमीटर दी गई है दोस्तों। उसके बाद ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट जो नॉर्थ है दोस्तों उन लोगों के लिए 157 दी गई है दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोगों को हाइट में भी छूट मिलेगी, जो भी आप लोग हिल एरिया है पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो उन लोगों को मिलेगी। और इसमें देखिए, अभी चेस्ट की अगर बात करें तो आप लोगों का 80 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर भी आप लोगों को फुलाना चाहिए दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अभी वेट की बात करें तो जैसे आप लोगों का हाइट होगा, चेस्ट होगा, आप लोगों का जो भी होगा उसके हिसाब से आप लोगों का जो वेट होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो इसमें आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में। इसमें देखिए दोस्तों, आप लोग अगर मान लीजिए रिजर्व है तो 30% अगर आप लोग मार्क्स लाए हैं तो आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, और ओबीसी डब्ल्यूएससी तो 25% से क्वालिफाई कर जाते हैं, और 20% से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो एनसीसी सर्टिफिकेट 5% है दोस्तों, इसमें तो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। तो इसमें देखिए दोस्तों, किस प्रकार की पोस्ट आई हुई है, तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, और यहाँ पे एनसीबी दोस्तों। ये जो कोड है दोस्तों, इसके हिसाब से आप लोगों को भरना है। मैंने फुल डिटेल्स दे रखा है दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जो वीडियो है दोस्तों उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। देखिए दोस्तों, आप लोग कैसे फॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों का आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद वेरीफाई आधार करना होगा, उसके बाद देखिए दोस्तों इसके नाम होगा, आप लोगों का दोबारा नाम भरना होगा, फिर पिताजी का नाम आप लोगों को दोबारा भरना होगा, इसके बाद जो आप लोगों का मदर्स नेम भी दोबारा भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भी दोबारा भरना होगा। दोबारा मतलब दोस्तों आप लोगों को भरना होगा, फिर कंफर्म करना होगा, उसके बाद आप लोगों का अपना बोर्ड डाल दीजिए, फिर बोर्ड का रोल नंबर दीजिए, 10th का डालना होगा दोस्तों, फिर आप लोगों को पासिंग ईयर दीजिए, फिर उसके बाद जो मेल फीमेल उसको आप लोग चूज करना होगा, जो आप लोगों का मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं, जो ईमेल आईडी देने के बाद सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक होने के बाद आप लोगों का जो पासपोर्ट रेडी हो जाएगा, पासपोर्ट बनाने के बाद आप लोग को इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो इसमें आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं दोस्तों, उसके बाद जो आप लोगों का फोटोग्राफ है दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग लॉगिन करने के बाद आप लोगों का ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो मैंने ये जो ऑनलाइन का फॉर्म है दोस्तों, मैंने डिटेल्स मेरे वीडियो में दे दिए हैं, तो आप लोग उसमें डाल के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, फोटो आप लोग इस प्रकार के फोटो चलेंगे, अगर आप लोगों को फोटो इस प्रकार है तो रिजेक्ट किया जाएगा, इस प्रकार है तो रिजेक्ट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, लोग सैंपल दिया गया है दोस्तों, आप लोग इसमें भरिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही बोलना था दोस्तों कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म है आप लोगों का एलिजिबल है, बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए आप अगर एलिजिबल है तो प्लीज भर डालिए दोस्तों। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।